खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का पलटवार। देश की जनता जानती है कौन सांप है और कौन क्या। ये देश की जनता जानती है कौन सांप है कौन क्या है, और जो जिस प्रकार की भाषा बोलता है वो उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, जनता सब जानती है। खड़गे जी के बारे में मैं इस प्रकार का बयान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उसी के कारण से कांग्रेस की हालत बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार ने भ्रष्टाचार और पाप किया। जब भी उनके नेताओं पर ईडी की कार्यवाही की गई तो उनके यहां से पैसा मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातिवाद और नौकरी बेचने का काम किया। दरअसल मोहनलाल बड़ौली पानीपत जिले के चारों विधानसभा में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान 21 अगस्त से शुरू हुआ और 30 नवंबर तक चलेगा। बड़ौली ने कहा कि पार्टी का प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए सभी सांसदों, विधायकों, चेयरमैन व पदाधिकारियों को अलग अलग टारगेट दिया गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बड़ौली ने कहा कि जो पाप करता है उसका जवाब जनता देती है। कांग्रेस ने बयानबाजी और झूठ बोलने का काम किया, संविधान का झूठ, आरक्षण का झूठ बोला, जिसका जवाब जनता ने दिया। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का झूठ बोला। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को अपमानित किया। हुड्डा ने कहा कि हम पोर्टल खत्म कर देंगे। इन सभी बातों का जवाब जनता ने कांग्रेस को दिया है। लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक बड़ी झूठ बोलने का काम किया, और उस झूठ को भी उन्होंने ऐसे जचाने का काम किया, और बहुत बड़ा तबका, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उनकी बात के प्रभाव में आए, और उन्होंने दो झूठ हर मंच से बोली। संविधान को हाथ में लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को खत्म करेंगे। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोली कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म करेंगे। दो झूठ बहुत जबरदस्त ढंग के साथ हर प्लेटफार्म पर हर मंच से कांग्रेस के नेताओं ने बोलने का काम किया, और कुछ जो साधारण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, वो उनकी बात से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कुछ वोट का परसेंटेज हमारा घटा और जिस कारण से हमारी 240 सीटें आई। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में गए और जिस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म करेगी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे, जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है, 100% वही आचरण चुनाव के समय में भी उनके 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उसको अपमानित करने का काम किया, उसको बुला नहीं गया कहीं। उसके बाद आपके यही असंध से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम जनता के बीच में बोला कि कांग्रेस के नेता अपना घर बढ़ने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करेंगे, और बगैर भ्रष्टाचार के सरकारें नहीं चलती है, बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास गए। फरीदाबाद से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम मन मर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे, और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को खत्म करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम आते ही पारदर्शिता के साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, वो काम हमने करके दिखा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम हुआ उसी दिन 24,000 से ज्यादा बच्चों को रोजगार बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। यही आर का कारण है कांग्रेस का। कांग्रेस के अनेक कारण है, कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक नहीं जाने दिया, गरीब की भलाई का पैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में गया है, जब भी कभी कोई छापे की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, वो सारा काला धन कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद होता है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं पानीपत। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा और महिलाओं का होगा, और जिस प्रकार की हमने अपने
संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन कई चीजों को हमने 100 दिन में पूरा करने का टारगेट हमारा है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार के हैं जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो सब चीजों की घोषणा करने वाले हैं। चौटाला परिवार की राजनीति को कैसे देखते हैं इस वजह से अभी चौटाला आर्मी दिग्गज नेता? वो तो परिवार की राजनीति करते हैं, उनके परिवार में परिवार की राजनीति, कांग्रेस भी परिवार की राजनीति में फंसी हुई है। आज सही मायने में देखे तो 13 साल से तो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति नहीं हुई है, किस प्रकार की वो लोकतांत्रिक पार्टी है। अर्थ प्रकाश टीवी से मनदीप कुमार की रिपोर्ट।